बिहार में इन दिनों पुल गिरने का मामला बहुत सामने आ रहा है। ऐसे में रोहतास जिला के जो पुराने पुल हैं उसका क्या रख रखाव है, इसको लेकर मैं जब सासाराम चौसापथ 12D पुल के पास में अभी मैं मौजूद हूँ। आपको दिखा सकते हैं कि ये पुल पूरी तरह से 60 बरस पुराना पुल है और काफ़ी डैमेज हो चुका है। दोनों तरफ का जो बाउंड्री है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। रख रखाव के बिना यह पुल सही नहीं है। जब भी थोड़ा बहुत काम करके उसके बाद पुल उसी तरह से हो जाता है, फिर दोबारा फिर ख़राब हो जाता है। भारी वाहनों का आवागमन इस पुल से होता है। यह पुल आपको बता दें, खास तौर पर सासाराम से चौसापथ बोला जाता है, लेकिन यह पुल सीधे बक्सर होते उत्तर प्रदेश बलिया के लिए जोड़ता है। हमारे साथ कई स्थानीय लोग हैं, हम बात करेंगे उनसे भी कि ये कितना पुराना पुल है और क्या स्थिति वर्तमान में पुल का। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजेंद्र प्रसाद सिन्हा हुआ। क्या स्थिति है पुल का? ये पुल जो है स्थिति इसका जर्जर है जी, बिल्कुल। ये कब गिरेगा, कब ध्वस्त हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ तो बहुत से एक्सीडेंट हो चुका है। यह नगर निगम में भी आ चुका है, सासाराम मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, जिससे गाड़ी घोड़ा सब लोग लेके नहर में गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। रख रखाव इसका बिल्कुल ख़त्म है, समाप्त है। ये जर्जर स्थिति में है। ये जब भी पुल नीचे की तरफ नहर में धंस जाए, ये कोई गारंटी नहीं है कब गिरेगा। ये बाहरी वाहन भी जाते हैं? हाँ, बाहरी वाहन जाता है। ये रेलिंग वगैरह क्या स्थिति है? रेलिंग वेलिंग सब टूटा हुआ है, इसका कुछ है ये नहीं है। देखिए रहे हैं सर, ये कब एक्सीडेंट हो जाएगा, होता भी है। कहाँ कहाँ से पुल जोड़ता है? ये पुल सासाराम से यूपी में जोड़ देता है, गोरखपुर लखनऊ सब जोड़ के निकल जाता है। क्या नाम आपका? मेरा वीरेंद्र प्रसाद सिन्हा नाम हुआ। वीरेंद्र प्रसाद जी सिन्हा जी, जो कि यहाँ के 12D के आसपास के गांव के रहने वाले, हमारे साथ और भी कई लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे उनसे भी कि क्या स्थिति है पुल का। हमारे साथ अरविंद जी, क्या स्थिति है 12D पुल का अभी? 12D के पुल का स्थिति तो जर्जर चल ही रहा है, देख ही रहे हैं। कब से ऐसा हालत है इसका? अरे वो बहुत दिनों से ही चल रहा है, 50-60 साल से। अच्छा, यहाँ पर कोई सुधार नहीं है। रेलिंग दोनों तरफ की टूट चुकी है? हाँ, टूट चुका है, विद्युत टूट चुका है। क्या भारी वाहन भी गुजरते हैं? जी, भारी वाहन भी गुजरते हैं यहाँ से। क्या इसको लेकर आप लोग कहीं स्थानीय रूप से? अब वही है, इसको बनी करना है। ये मरम्मत के भाव के कारण ये पुल पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। कहीं भी एक बड़ा घटना का भी यहाँ पे अंजाम हो सकता है। दिखा सकते हैं पुल के दोनों तरफ जो बाउंड्री है वो सही नहीं है। आप दिखा सकते हैं कि कई वाहन यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं अपने जान जोखिम में डालकर यहाँ से गुजरते हैं। पुल की स्थिति आप दिखा सकते हैं, पुल पूरी तरह से, यहाँ पर जो रेलिंग है पुल का वो टूट चुका है। लंबा इस पुल पर लंबा रेलिंग कभी हुआ करता था, लेकिन स्थिति है कि आधा पर है। कभी भी बच्चे यहाँ पर आस पास जाएंगे तो हो सकता है गिर भी सकते हैं, किसी न किसी बड़ा घटना का अंजाम दे सकते हैं। पुल के तो पूरी तरह से जब दिखा सकते हैं, इस पुल का जो पाया है देख सकते हैं, यहाँ पर छड़ दिखाई दे रहा है, छोड़ रहा है, सीमेंट छोड़ रहा है पुल का। तमाम चीज़ पहलू है यहाँ पर कि पुल पुराना होने की वजह से, करीबन 60 साल पुराना ये पुल है और ये रख रखाव के बिना ये पुल पूरी तरह से स्थिति क्षतिग्रस्त होते जा रहा है। कहीं ना कहीं हम जिला प्रशासन द्वारा इस पुल को भी अगर सही समय पर नहीं देखा जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, तो एक बड़ा घटना का अंजाम रोहतास जिला में भी देखने को मिल सकता है। रोहतास से नवभारत टाइम्स डिजिटल के लिए अमित कुमार। बारी का दिन है।